हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह इंडक्शन के ऊपर है, जो कि उषा का इंडक्शन है, कुक जो है 1600 वाट का। तो इसमें यह प्रॉब्लम है कि इसका जो स्विच है, इसमें कोई भी स्विच वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम पावर देते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पावर आ गया और लाइट भी आ रही है, लेकिन हम इसमें बटन प्रेस कर रहे हैं ऑन ऑफ का, या और कोई भी बटन इसमें प्रेस कर रहे हैं, लेकिन यह ऑन नहीं हो रहा है। और जो स्विच लगा है इसमें ऑन ऑफ का, उसको हम डायरेक्ट ट्वीजर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको आपस में टच करते हैं, यानी कि शॉर्ट करते हैं, तब भी यहाँ पे देख सकते हैं यह वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट कर रहे हैं, फिर भी यह ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे और किस तरह से इसको ठीक करेंगे, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको ठीक करने के लिए सारा स्विच एक तरफ से चेंज कर देते हैं, तब पर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हम इसमें मीटर की मदद से इसको ठीक करेंगे। तो मीटर को हम मेगा ओम्स में रख लिए हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, सारे स्विच को एक एक करके चेक करना है। और अगर इसमें हाई ओम्स का रीडिंग शो करता है, यानी कि 1 मेगा ओम्स के ऊपर अगर शो करता है, तो आपको उसको नहीं निकालना है। अगर उसके अंदर में है, 1 मेगा ओम्स के अंदर है, तो आपको उस स्विच को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दिया। इस स्विच पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। और आपको जो इसमें यह लगी हुई है डिस्प्ले पैनल, इस पे आपको हाथ को टच नहीं करना है। अगर आप हाथ पे इसको टच करेंगे तो इसका जो रीडिंग है वह कम या ज़्यादा दे सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं यह 1200 यानी कि 1.2 मेगा ओम्स में दे रहा है, यानी कि वह अभी स्विच ठीक ही है, अभी चलने के लायक है, ऐसा नहीं है कि वह प्रॉब्लम में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमने सारा जो स्विच था हमने चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी रीडिंग नहीं शो किया। तो अब इसमें एलईडी चेक करेंगे, तो बारी बारी से हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें भी आपको सेम सिचुएशन इसमें भी है, यानी कि 1 मेगा ओम्स के अंदर अगर रीडिंग देगा तो आपको उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम बारी बारी से एक एक एलईडी को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं किया, और उसके बाद यहाँ पर जो भी एलईडीज लगी हैं यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा आपको प्रेस करके ही रखना है, और पैनल पे बिना हाथ रखे आपको चेक करना है, नहीं तो आपको रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पे जो पावर की के ऊपर जो लगा हुआ है एलईडी, यहाँ पे देख सकते हैं 200 किलो ओम्स का रीडिंग दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 123 ओम्स का के का रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे पे हम चेक कर रहे हैं, तो यह बल्ब जो है वह ठीक बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पावर देते हैं, तो देख सकते हैं यह रेड लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन उसमें रीडिंग होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस है वह बनने के कारण आईसी पे सही से पल्स नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए यह पैनल को काम नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यह 153 यानी कि 153 किलो ओम्स का रीडिंग शो कर रहा है। तो इस एलईडी को हम निकाल के चेंज कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एलईडी को निकाल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको हम फिर से चेक करते हैं। तो यह जो एलईडी है उसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 106 किलो ओम्स का रीडिंग दे रहा है। यहाँ पे मेगा ओम्स में हमने मीटर को रखा है, इसलिए वह पॉइंट में बता रहा है। तो यहाँ पर हम सेम वैल्यू का एलईडी को यूज करेंगे, तो रेड कलर का यह यूज कर रहे हैं, और इसको प्लस माइनस देखते हुए इसका बड़ा वाला जो लेग है वह प्लस और छोटा वाला माइनस है। तो इस तरह से आपको इसको लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है और सोल्डरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमने सोल्डरिंग कर लिया है, और इसका जो दोनों एक्स्ट्रा लेग है हम उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं यह सोल्डरिंग हो चुका है अच्छे से, और लेग को काटने के बाद हम इसको अच्छे से क्लीन भी कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना रहे।
तो यहाँ पे हम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, और क्लीन करने के बाद इसको चेक करते हैं पावर देके कि हमारा जो स्विच अभी वर्क नहीं कर रहा था वह वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने पावर दे दिया और देख सकते हैं रेड लाइट ग्लो कर रहा है, और अब देख सकते हैं सारे स्विच जो है वह अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सिर्फ एक एलईडी का लो ओम्स होने के कारण इसका जो पैनल था वह वर्क नहीं कर रहा था। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन फॉल्ट ना मिलने के कारण यह पैनल को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको इस तरह से पहले चेक कर लेना है, अगर आपका फॉल्ट नहीं सॉल्व होता है तब जाके आपको यह पैनल चेंज करना है। तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।